हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार ने दिवाली या दुर्गा पूजा बोल सकते हैं दशहरा पर एक बोनस देकर सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया था, और वो जो है पहले से भी दिया था जो दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अब दिवाली पर जो है एक और बड़ा ऐतिहासिक तोहफा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा आदेश जारी भी हो चुका है जो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस दिवाली के तोहफे को जो एक बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है, तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस घंटे के निशान को भी प्रेस करना होता है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाती है। अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप वीडियो को बहुत लेट देख पाएंगे या देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सेवन पे कमीशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जी हाँ, दिवाली 2020 से पहले आपको सरकार ने एक और बड़ा तोहफा यानी दिवाली गिफ्ट देने का काम किया है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक और सुविधा दी है जो LTC को लेकर है। इसके नियमों में बदलाव करने का काम सरकार की ओर से किया गया है। नियम के बदलाव से अब कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के बिना ही मान्य LTC किराए का इस्तेमाल कर इसी योजना का फायदा उठा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब LTC कैश के लिए सरकारी कर्मचारियों के एक से अधिक बिल मान होंगे। कर्मचारी लीव इनकैशमेंट के बिना यह संभव होगा। योजना का लाभ किसे मिलेगा, आप देख सकते हैं कैसे मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी LTC वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई बिल देने का काम कर सकते हैं। इसका मतलब यदि किसी कर्मचारी के परिवार के 4 सदस्य LTC के हकदार हैं, तो कर्मचारी पात्र परिवार के LTC हिस्से के बराबर आंशिक लाभ लेने में समर्थ हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत, जिसे LTC बोला जाता है, LTC वाउचर योजना का लाभ देने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके नाम पर ही होने चाहिए। LTC नकद वाउचर योजना की घोषणा। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने LTC नकद वाउचर योजना पर AFQ यानी कि जो बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनका सेट जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना यानी लीव इनकैशमेंट के बिना ही मान्य LTC किराए का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिन पर माल एवं सेवा कर यानी GST की 12% या उससे अधिक हो। मंत्रालय ने क्या कहा, यह भी देख लगते हैं। अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था या फिर उन्हें यह राशि छोड़नी पड़ती थी। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें खर्च LTC किराए के लिए तय अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। AFQ में स्पष्ट किया गया कि यह की योजना ब्लॉक वर्ष 18 से 21 के दौरान बचे LTC किराए पर भी लागू होगी। AFQ में स्पष्ट किया गया, आप देख सकते हैं, AFQ में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी योजना के पात्र परिवार के LTC हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि यह योजना वैकल्पिक है, ऐसे में यदि किसी सदस्य के LTC किराए का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं हो पाता तो वे सदस्य LTC नियमों के मौजूदा निर्देशों के तहत LTC ले सकते हैं। AFQ में स्पष्ट किया गया है कि योजना के तहत कर्मचारी कई बिल दे सकता है, लेकिन उनमें खरीद मार्च में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के दौरान ही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि LTC के रिगार्डिंग जो नए रूल आया वित्त मंत्रालय की तरफ से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे कर्मचारियों को काफ़ी जो है राहत मिलने वाली है। तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।